ऐसा लगता है बिल्कुल सेम टू सेम। स्पेशल मशरूम। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक बार। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा दोस्त बुला रहा है उसका वहां पर जाने के लिए, यानी कि रुपम भाई। तो उसका ससुर मेरा चेहरा मतलब काफी मिलता है, तो इसलिए वो बुला रहा है एक साथ, मतलब शायद मुझे दिखाने के लिए कि हाँ ये तेरा है जैसा है। तो कल वहाँ तो इसका दोस्तों मौत हो चुके हैं, मर गया इसका दोस्त, कल मर चुके हैं। तो आज ये बॉस वो उदास के कारण थोड़ा सा खाना खाया, अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ के जाऊँगा खालुआ को। तो घर पे है मम्मी पिताजी और बहन है, तो खालुआ यहाँ पर होती है। तो अभी चलते हैं और शायद बारिश भी होने वाला है और बोल रहा है कि मेडिकल की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो शायद मेरे हिसाब से तो आज बंद रहेगा फार्मेसी तरफ़ सब कुछ। दोस्तों मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मैं रुपम भाई के घर पे, यानी कि मेरा रुपम भाई का कहना है कि मेरा तरह होता है उसका चेहरा, यानी कि हम शक्ल, तो देखता हूं कि मेरा जैसा है कि नहीं। अरे देखो ड्रेस भी सेम है। सही में यार, अरे ये अजीब बात है यार। कैमरा लाओ, दोनों साथ में जाओ, तो एक ही में जाओ जाओ जाओ। देखो बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा लगता है बिल्कुल सेम टू सेम। मुझे बुलाओ ना ससुर। सुनो, अरे ससुर जमाई। सुनो ये पिताजी का उम्र होने के बाद सेम हो जाएगा। उम्र का फर्क ना, ये नाक भी बड़ा होता है। तो गायस में आज आया हूँ पर एक सप्ताह के बाद रुकूं भाई के घर पे। ये है जीरी की मम्मी, मेरी मम्मी, और वहाँ पे हम सकल पिताजी जुड़वा भाई, हम लोग जुड़वा भाई। आज के बाद मुझे ये बोलना ससुर, ससुर जमाई बोलूंगा आपसे। ठीक है बढ़िया है। वाह पैशन फ्रूट ठीक से पका हुआ नहीं मिल रहा है, ये वाला मिला है, ये 80% पका है, खा के देखिए कैसा लगता है। आजकल तो तेरा चेहरा का देख के हंसी आता है, पतला वाला वो है ना, वो लगता है पतला वाला। हाँ वो सीन बाबू। ये लीजिए। हाँ ठीक है ओके। ये है मेरा भैया यानी कि जीरी का पिताजी। तो गाइस अगर सही में इसका चेहरा मेरा चेहरा सेम है तो जरूर कमेंट करके बताना। बहुत लोग वो कमेंट करके बताते हैं कि ये मतलब जीरी का पापा मेरा जैसा लगता है, तो लगता है कि नहीं लगता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो अभी जाना पड़ेगा फार्मेसी, तो इसके लिए तो थोड़ा कुछ दवा लेके आना, तो रुपम बाइक साथ जाएंगे कि साथ। ये है मंजिता का बॉयफ्रेंड। वाह 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 मंजिता, ये तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये भाग रहे। सो अभी हम लोग आए हैं पूरा यहाँ पर फार्मेसी में कुछ दवा लेने के लिए, वो होते हैं प्रेशर की दवा, हाई प्रेशर की दवाई। तो यहाँ पर पूरा जितना फार्मेसी है सब बंद है, यहाँ पर एक लोटा फार्मेसी ही खुला हुआ है। यहाँ पर एक्स एमला का वो डेथ हो चुका है, इसलिए पूरा यहाँ पर सब बंद किया गया है, फार्मेसी सब बंद है, बस एक ही खुला है यहाँ पर। मिला नहीं मिला तो क्या करे, अभी सब जगह में बंद है, जाना पड़ेगा खाली हाथ। चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी जाएंगे अपना घर। तो हम लोग गया था एक्चुअल में वो दवा लेने के लिए, हाई प्रेशर का दवा, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, तो अभी चलते हैं। तो ठीक है मेरा ससुर जी चलते हैं। अरे ससुर जमाई जी मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो, खाना वाना खा के जाओ, कुछ काम है वहाँ पर जाने के बाद, मुझे भी खाना खाना को है। अरे जंगली मशरूम, जंगली मशरूम। अरे यहाँ पे भी स्पेशल है तो ना, तेरा टोपी को ना जुन्नी भैया पतला वाला, पतला वाला। ठीक है चलते हैं। ठीक है सो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ मेरा दोस्त के वहाँ से। तो मेरा दोस्त ने मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया और उसके मम्मी लोग सभी लोग मुझे रिक्वेस्ट किया कि इवन जेरी का पिताजी लोग भी रिक्वेस्ट किया कि खाना खाने के लिए। तो मैं बेसिकली मैं मेंढक का मीट नहीं खाता हूँ, तो वो लोग खाएंगे आज मेंढक का मीट। तो बहुत मतलब मुझे बोला खाने के लिए, तो मैं बचपन में खाया था, जूत क्यों बोलूँ मैं, जब उस समय मैं क्लास 3 पढ़ता था उस समय खाया था मेंढक का मीट। तो उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये तो ह्यूमन जैसा रहा है, तो मैं तब से मैं छोड़ दिया खाना वो मेंढक का मीट खाना, तो इसलिए मैं आ गया बिना खा के। नहीं तो मैं वहाँ पर जब भी जाता हूँ तो खाना खा के आता हूँ, तो आज मैं पहली बार खाना नहीं खाया क्योंकि मेंढक का मीट है ना, इसलिए। तो बहुत लोग खाते हैं ये मेंढक का मीट, तो हमारा यहाँ पर तो असम में भी बहुत लोग खाते हैं,
तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग बहुत ही खाते हैं मेंढक का मीट। कुछ लोग मतलब मैं भी बचपन में खाया था, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट था, लेकिन अभी मैं नहीं खाता हूँ। सो अभी मुझे कपड़ा को वॉश करना पड़ेगा और काफ़ी बारिश भी हो रहे हैं, तो कपड़ा को बढ़िया से वॉश करने के बाद मैं जाऊँगा दूसरा जगह पे खाना खाने के लिए। जंगली मशरूम के साथ स्वादिष्ट भोजन बनेगा बोल रहे थे कि कल क्या की, तो मुझे बुलाते हैं बस खाना खाने के लिए। सो दोस्तों अभी बहुत ही तेजी से बारिश हो रहा है भाई, तो अभी कपड़ा तपड़ा कुछ वॉश करने को नहीं मिला, तो इतना तेजी से बारिश हो रहा है, मेरा कप तबियत भी खराब हो सकता है भाई, तो बाद में धोएंगे भाई कपड़ा। तो मैं मेरा कपड़ा खुद धोता हूँ, किसी को मैं फोर्स नहीं करता हूँ और किसी को धोने भी नहीं देता हूँ, अपना गंदा खुद धोना है। सो दोस्तों फाइनली बारिश रुक चुके हैं, तो लगभग 10-15 मिनट के आसपास बारिश हुआ था, तो फिर से अभी कपड़ा को वॉश करते हैं बढ़िया से। सो दोस्तों फाइनली कपड़ा कम्प्लीटली वॉश हो चुके हैं, तो अभी जाएंगे यहाँ से दूसरा जगह पे वीडियो को अपलोड करने के लिए, नहीं तो बहुत ही लेट होगा अपलोडिंग, तो काफी मतलब चलते हैं तो संभाल के जाना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मैं अपना वीडियो को अपलोड करके आ चुका हूँ, तो आज बनेगा गाइस वो वाला जंगल की मशरूम की रेसिपी। तो दो प्रकार का जंगल का मशरूम है, सफेद वाला भी है लाल वाला भी है, तो पहले किससे बनाते हैं तो स्वाद करते हैं। और यहाँ पे मैं मशरूम वॉश कर रही हूँ। तो वो वाला कहाँ गया, उसको बढ़िया से वॉश कर देना उसको भी। वॉश करके रख दिया है। ये वाला थोड़ा गंदा है, तो बढ़िया से वॉश करेंगे। सो अभी मैं दिखाता हूँ हैंडसम वाला मशरूम, मेरा सबसे फेवरेट वाला मशरूम। ये वाला बढ़िया से वॉश करके रखा है, स्पेशल मशरूम है ये, बहुत ही मस्त होते हैं ये। वाह तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मशरूम है ये। तो फाइनली वॉश हो चुके हैं, अब इसको टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये बनेगा ना फ्राई बनेगा ना फ्राई बनेगा ना फ्राई। जंगली मशरूम ये सिर्फ 5-star होटल में नहीं मिलता, ये सिर्फ मिलता है जंगल पे। वाह मस्त लग रहा है, तो ये कैमरा में इतना बेकार लगता है, रियली में बहुत ही मस्त लगता है। तो गैस यहाँ पर बॉइलिंग हो रहा है, वाओ तो हल्दी वाली कुछ भी नहीं लगता है। क्या क्या था लास्ट में? प्याज रसून मिर्ची और नमक बस बॉइल, फ्राई से भी बेहतर होता है ये चीज। वाह तो इसका रेसिपी भी आएगी प्रियंका के ब्लॉग पे, आएगी प्रियंका ऑर्गेनिक ब्लॉग पे। तो गैस ये कुकिंग हो चुके हैं, काफी बढ़िया लग रहा है, तो फिर से यही चीज कुकिंग हुआ मेरा फेवरेट वाला, ये वाला फ्राई है और ये वाला है बॉयल। तो यहाँ पे भी बहुत सारा रखा हुआ है, इसको खाएंगे पत्ते में रख करके खाएंगे इसको, ठीक है। बहुत ही मस्त होता है वो इस तरह दक्षिण इस तरह वाला। और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं जंगली मशरूम, तो चूहा के कान जैसा वाला होता है, तो इसमें वो वाला ऑलरेडी बॉयल किया हुआ ये फ्राई। इसका रेसिपी का डिटेल आएगी प्रियंका ऑर्गेनिक ब्लॉग में। टेस्टिंग हम करेंगे, क्यों करोगे, काफी गर्मी है, कैसे गर्म है, बहुत बढ़िया पकड़ गर्मी है, गर्मी से पानी हो रहा है, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। काफी गर्मी है, बहुत ही स्वादिष्ट हुआ है जंगल मशरूम करने के कुकुर मुता। वाह काफी गर्मी है भाई, बहुत ही गर्म है, पूरा गर्म गर्म आ चुके हैं डिनर हुआ। जंगली मशरूम फेरा है और ये बॉल है और ये लौकी और ये अरबी, बहुत ही मस्त। वाह स्पेशल मशरूम, स्पेशल खाना। बहुत मस्त है, मस्त है। वाह गरम गरम
नहीं चलूंगा, फिनिश कर दूंगा। तो दोस्तों कल बेसिकली मैं इस वीडियो को ज़रा को फिनिश नहीं किया, तो गैस आज की वीडियो को यहाँ पर डायरेक्ट फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, और गुड नाइट। सुबह सुबह।